ठीक है। तो हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बीच में आज पार्टिसिपेंट ज्वाइन है, राइट। एक बार मेरे को मैसेज का एक बताइए कि आप कौन सी सिटी से हमारे बीच आज कनेक्टेड हुए हैं, राइट, कहाँ के आप रहने वाले, ताकि पता चल सके कि आज हमारे साथ ऑडियंस कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। यूपी, सिवान, दिल्ली, उड़ीसा, क्या बात है जी। उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, ग्वालियर, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि आप खुद सभी लोग चेक कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि हमारे आज कॉन्सेप्ट को जानने आए हैं ना, हमारे कॉन्सेप्ट को आज समझने हैं कि क्या एक कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसके थ्रू अपने घर पे बैठे बैठे हम पैसा कमा सकते हैं। आज हो सकता है आपको किसी फ्रेंड का या किसी अननोन पर्सन का इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू है ना कॉल आई हो, मैसेज आए, और आपने उनके साथ बात की, और आज आपको बता बोला हो कि हाँ भी आपको एक ऐसा आज कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि जहाँ पे अपने घर बैठकर आप बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे अपने घर पे बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन का यूज करके बहुत ही अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं, बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के इस वेबिनार को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वेलकम है जी आप सभी लोगों के इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो किसी पर्सन को वॉइस में इश्यू आ रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, आप नीचे से आपके ऑप्शन आ रही होगी है ना अपना वाईफाई की, तो वहां पे आप ज्वाइंट पे क्लिक करके वाईफाई और सेल्यू डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली वॉइस आनी स्टार्ट हो जाए। एंड एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है, तो वो सबसे पहले कोई ऐसी अगर बैठ जाए कि जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि देखो अगर आप आज इस वेबिनार के आ चुके हैं, बट अगर आप वेबिनार को प्रॉपरली अच्छे तरीके से बैठ कर नहीं अटेंड कर रहे, आपका ध्यान कहीं और चीजों के अंदर है, तो आपको वेबिनार अच्छे तरीके से समझ नहीं आए, क्योंकि कहते हैं ना दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब दोनों खुले हों, क्योंकि देखो हमारा जो माइंड है कि पैराशूट की तरह होता है, अगर आप इसको ओपन करके नहीं बैठोगे तो आज आपको इस वेबिनार के अंदर कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट 45 मिनट रहने वाले हैं, हो सकते हैं 45 मिनट्स के अंदर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट पता चले कि जहां पे आप अपने घर पे बैठे बैठे पैसा तो कमा सको और अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर सको, क्योंकि आज से पहले यही सेम कॉन्सेप्ट आज से पहले मेरे को मिला था। अगर देखो मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए नाम मेरा अनमोल है, बेसिकली मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, और देखो अगर मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करूँ, जैसे आज आप इस वेबिनार के अंदर आए हैं, आज आप इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यार यहाँ पे अपने घर बैठे बैठे हम पैसा कमा सकते हैं, तो मैंने भी सेम आप लोगों की तरह इस वेबिनार को अटेंड किया था आज से 1.5 से 2 साल पहले। और जब मैंने वेबिनार को अटेंड किया, देखो पहले दिन होता है कि ज्यादा समझ नहीं आता, हो सकता है आज आपको पहले दिन ज्यादा समझ ना आए, बट हाँ आज आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा यार क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आप इसका पार्ट बनकर यहाँ पर एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो मैंने भी अच्छे तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया, थोड़ा बहुत समझ आया, कुछ नहीं भी आया, बट मैंने और नॉलेज इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से ब्रीफ में अंडरस्टैंड किया, और जब अंडरस्टैंड किया उसके बाद मैंने इसको शुरू किया, मेहनत करनी स्टार्ट की, काम करना शुरू किया, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। मैंने जब काम किया तो मेरे को काफी अच्छे अच्छे पेआउट आए यहाँ पर इस बिजनेस के थ्रू। मैं अपने घर पे बैठे बैठे महीने का पहले 10,000 का चेक किया, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, और आज ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर आज की डेट की बात करूँ, तो आज इस बिजनेस से, आज इस कॉन्सेप्ट से जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आज उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं महीने का 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो काफी लोग यहाँ पर अभी माइंड के अंदर सोच रहे हैं यार 90,000 पे कैसे आ रहा है, कैसे घर बैठे बैठे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे यार बड़े लोग है ना घर पे बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, बड़े लोग अच्छी अच्छी इनकम को ले रहे हैं, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे आप लोग अच्छा पैसा आएगा, वो आपको डिटेल के अंदर मैं आज इस वेबिनार के अंदर प्रॉपरली शेयर करने जा रहा हूँ, प्रॉपरली आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपने करना क्या है, अच्छे तरीके से नेक्स्ट 40 मिनट्स आपने इस वेबिनार को पूरा अच्छे तरीके से समझना, अंडरस्टैंड करना, एंड में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है दोस्तों, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखो आज पैसा हर बंदा कमाना चाहता है, क्योंकि देखो हर बंदे के लाइफ में बड़े सारे सपने होते हैं, राइट। हर बंदा पैसा कमाना चाहता है बट उसके पास मेन कोई ऑप्शन नहीं होती, तो क्योंकि आज से पहले मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी, बट मेरी जिंदगी में एक ऐसी सोसाइटी ने है ना एंटर किया जिसका नाम है जी टीम फायर 64, जिसका हम आज के टाइम पे पार्ट है, राइट। अगर मैं देखो टीम फायर 64 सोसाइटी की बात करूं, ये सोसाइटी हमारे इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों से बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, एंड आपको बताना चाहता हूँ देखो इस सोसाइटी के अंदर आज के टाइम पे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अपने गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे व्हाट इज टीम फायर 64, तो आपको ऐसे कुछ पिक्स दिखाई देंगे, आप चेक करोगे कि बहुत ही कम एज के लड़के लड़कियां यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। आज
आज के टाइम पे टीम फैसिक्स पर एक ब्रांड बन चुका है, राइट। आज बहुत से लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंटे कर चुके हैं, राइट। और आज आप इसी का पार्ट बन के, टीम 564 का पार्ट बन के आप भी महीने का लाख रुपया कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट उसके लिए आपको जस्ट एक ही काम करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के साथ सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कोई रिच क्विक स्कीम है कि आप आए, आपने ज्वाइन किया, आप लाख रुपए कमाना स्टार्ट करके, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप आते हो, मेहनत करते हो, काम करते हो, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखो, हर एक इंसान लाइफ के अंदर अपने आप को एक बढ़िया ओहदे के ऊपर, एक बढ़िया रास्ते ऊपर देख रहा रहता है कि बढ़िया, जहाँ पर वो एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सके, अच्छा पैसा कमा सके, या अपने सपनों को पूरा कर सके, एम राइट। और आप लोग भी सभी कहीं ना कहीं ये चीज चाहते होंगे यार, आपके पास भी एक अच्छा पैसा हो, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो। क्योंकि लाइफ के अंदर हर एक पर्सन के बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लाइक एक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ट्रेवल द वर्ल्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। हर एक पर्सन चाहता है कि यार मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास भी एक अच्छा घर हो ना, मैं घूमूं फिर इंजॉय करूं। अभी देखो बात सारी कहां पे आती है कि चाहते तो सभी लोग हैं पैसा कमाना, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना एक आए, हर पर्सन चाहता है। बट बात सारी कहां पे आ जाती है कि मेन हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता आगे बढ़ने के लिए, जिन जहां पे हम मेहनत करके, जहां पे हम वर्क करके इन सभी चीजों को ले सके, राइट। और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, फिर मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है जी, कोई नौकरी या कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। आज के टाइम पे आप खुद देख सकते हो कि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान अपने सपनों को भूल चुका है। बट क्योंकि देखो, आज के टाइम पे अगर आप, मैं सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आपको बताना चाहूं, एक आज से पहले एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर पता चला कि आज के टाइम पे अपने घर का खर्चा भी चलाना है तो आपको कितना पैसा चाहिए। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं, देखो 1940 की अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब 1940 के अंदर 10 रुपए में घर का गुजारा हो जाता था। और ऐसे ही 20 साल में और आगे बढ़े, जैसे 20 साल और आगे बढ़े, 10 और ऐड होगी, जिस घर का गुजारा, जिस घर का खर्चा 10 रुपए में चल रहा था, उस घर का खर्चा 100 रुपए में चलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही 1980 आ गया, 10 और ऐड होगी, जिस घर का गुजारा, जिस घर का खर्चा 100 रुपए में चल रहा था, वही खर्चा कितने में चलना स्टार्ट हो गया जी, 1000 रुपए में चलना स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही 20 साल जब हम और आगे बढ़े, जैसे 2000 ईयर आया, वहां पे जिस घर का गुजारा, जिस घर का खर्चा 1000 में हो रहा था, उस घर का खर्चा कितने में होना स्टार्ट हो गया जी, 10000 में होना स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। अगर मैं आज की बात करूं, अगर ज्यादा नहीं, अगर 2022 की बात करूं, तो आज के टाइम पे मिनिमम अगर एक घर का खर्चा चलाना है तो उसके लिए ज्यादा नहीं तो 50000 रुपए मंथली चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आज आप खुद देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जो महंगाई है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आज के टाइम पे नॉर्मली अगर घर का खर्चा चलाना, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ जी, घर का खर्चा चलाने के लिए हमें महीने का 50000 रुपए चाहिए। पर आज आप, चलो आप स्टूडेंट्स होंगे, आप नहीं पैसा कमा रहे, आज आपके घर वाले 50000 कमा रहे होंगे, 30000 कमा रहे होंगे, 40000 कमा रहे होंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो आपका खर्चा चला रहे हैं। बट एक चीज देखो यार, हम लोग यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, यूथ बैठा है, तो हमारा अभी मकसद है कि हम लाइफ में सेट हो, या हम लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छी जगह पर अपना करियर बना सके। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करिए कि अगर आज महीने का है ना 50000 रुपए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए खर्चा चलाने के लिए, तो आने वाले 2025 तक, अगर ज्यादा नहीं बात करो, 2025 तक मिनिमम, अगर ज्यादा नहीं तो 1 लाख रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है जी, महंगाई डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, उस हिसाब से हमारे खर्चे भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, क्या हमारे पास कोई आज ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे हम महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? क्योंकि क्या कोई ऐसा काम कर रहे हो आप, जहां पे आपको महीने का आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर भी आपको 1 लाख रुपए आ सकता है, राइट। खुद से क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जी? क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको मैं बात करूं, देखो आज के टाइम पे हर एक इंसान का देखो लीगली 4 तरीके हैं दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लिए। पहले नंबर पे एम्प्लॉयर, सेकंड पे सेल्फ एम्प्लॉयर, थर्ड बिजनेस ओनर, चौथी इन्वेस्टर कैटेगरी। देखो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके साथ एक इंसान दुनिया के अंदर पैसा कमाता है जी। और पहले नंबर पे एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लॉय कैटेगरी। देखो इम्प्लॉय कौन होता है आपको बताना चाहता हूँ। इम्प्लॉय मतलब होता है जो कि जॉब करता है। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर अभी 90% लोग जो बैठे हैं उनका मेन मोटिव यही होगा कि पढ़ लिख कर मेरे को क्या करने, एक अच्छी जॉब करने। क्योंकि शुरू से हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ही चीज सिखाई होती है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी करो। शुरू से हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें यही चीज बोलती है, हमारे टीचर्स भी हमें यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करो। बट आज के नौकरियों के हालात आप खुद दे सकते हैं, क्या लिखा है जी, 67% जॉब्स आर डेड इन ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे, राइट, लॉकडाउन के टाइम पे 67% लोगों के नौकरियों से निकाल दिया गया था। और ऐसे ही
आप देख सकते हैं महामारी की दूसरी लहर ने छीनी 75 लाख नौकरियां, तो आप खुद देख सकते हैं यार नौकरियों के कितने बुरे हालात हो चुके हैं। क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरी मिल रही है, बट उसमें कॉम्पिटिशन बहुत आ रहा है। अगर देखो आज के टाइम पे अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर एक वैकेंसी निकली है तो एक वैकेंसी के लिए लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं। आप खुद सोच के देखो अभी पोस्ट एक है, लाखों लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मिलनी तो एक को नौकरी है ना, बाकी बेचारे वो कहाँ जाएंगे। एंड तो इसी वजह से आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि हमें मिले या ना मिले। अगर मिल भी रही है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 हजार की नौकरी मिल रही है, और 10-15 हजार के अंदर आप खुद सोच सकते हो कि क्या लगता है कि जो हमारे सपने हैं या हमारे जो घर के खर्चे हैं क्या वो भी अच्छे तरीके से चल रह सकते हैं, राइट? नहीं चल सकते। तो उसके लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लॉय की बजाय हम सेल्फ इम्प्लॉय बन सकते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है जी? सेल्फ इम्प्लॉय कैटेगरी। देखो अभी सेल्फ इम्प्लॉय पर्सन कौन होता है, जो कि लाइक खुद का काम करता है। जैसे लाइक अभी आपने देखोगे किराना वाला हो गया, एक शूज की दुकान वाला हो गया, राइट, एक कपड़े की दुकान वाले, ये सभी लोग कह रही है, सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। इन लोगों ने सभी ने क्या किया हुआ, इन सभी लोगों ने अपने आप को ही काम पे रख लिया। सभी लोग काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इनको कह रही पैसा आते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो एक दुकानदार होता है वो सुबह अपना कह जी सुबह 5-6 बजे अपनी दुकान के ऊपर आ जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं दुकान का शटर ओपन रखूंगा तभी मेरे को पैसा आएगा, अगर दुकान का शटर बंद हो गया तो पैसा भी आना क्या हो जाएगा जी, बंद हो जाएगा। और इसी डर की वजह से मैं बता जाता हूँ, इसी डर की वजह से 90% लोग बिजनेस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट भी होती है बिजनेस के अंदर, और इसी रिस्क की वजह से 90% लोग फिर क्या करते हैं, जॉब करते हैं। बट देखो आज के टाइम पे अगर आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, और मात्र इन्हीं लोगों के पास हमारे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा जा रहा है जी, मतलब कि 5% वेल्थ जा रही है। तब खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अभी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कितना पैसा जा रहा होगा। पर दूसरी तरफ जो आप कैटेगरीज देख रहे हो जिसका नाम है बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कैटेगरी, देखो अगर मैं बताना चाहूँ आपको अभी बिजनेस ओनर इन्वेस्टर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है। जैसे लाइक आप देखो बिजनेस ओनर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अभी बिजनेस ओनर कौन होता है, लाइक जैसे आप अभी मुकेश अंबानी को सभी जानते होंगे, जो कि हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, जो कि हमारे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। अभी देखो अभी अब आपने कभी मुकेश अंबानी को काम नहीं करते देखो, क्योंकि देखो मुकेश अंबानी खुद नहीं काम करे, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी जगह नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, लोगों को काम पे रखा हुआ है, लोग उनके लिए काम करते जा रहे हैं, और आज उनको बैठाए बिठाए क्या आ रहा है जी, पैसा आ रहा है। तो मैं छोटी सी एग्जांपल से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे लाइक अभी देखो आप सभी आप नामी ब्रांड्स को जानते होंगे, मैकडोनल्ड को जानते होंगे, अमेजोन को जानते होंगे, उबर को जानते होंगे, और KFC को जानते होंगे। देखो भी सभी आप इन नामी ब्रांड्स को जानते होंगे। देखो सभी का काम क्या है, मैकडोनल्ड बर्गर बेच रहा है, और हमारे मार्केट वैसी बर्गर की बहुत सी दुकानें हैं। अमेजोन जो हर एक आइटम हर एक सामान बेच रही है, हमारे मार्केट वैसी सामान की बहुत सी दुकानें हैं। उबर जो टैक्सी सर्विस दे रही है, हमारी मार्केट वैसी टैक्सियां बहुत सी चल रही है। अपना KFC जो चिकन बेच रहा है, हमारे मार्केट वैसी चिकन की बहुत सी दुकानें। बट आप एक अंडरस्टैंड करना, जो ऊपर वाले ब्रांड जो उनके ऑनर्स है वो सभी लोग है जी रिच है, बट जो नीचे वाले ऑनर्स है वो बेचारे क्या है, एवरेज है। अभी देखो इतना ज्यादा भेदभाव क्यों है, क्योंकि काम दोनों का सेम है, बट ये भेदभाव क्यों है, ऊपर वाले रिच और नीचे वाले एवरेज, इस पे से एक कारण है। वो कारण क्या है जी, क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी बचपन के अंदर, नेटवर्क इक्वल्स टू नेटवर्थ, राइट? कि जितना बड़ा आज के टाइम पे हमारा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी हमारी नेटवर्क होगी। क्योंकि आपने अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर मैकडोनल्ड एक कंट्री से स्टार्ट हुआ था, आज काफी कंट्रीज के अंदर चल रहा है। अगर मैं अमेजोन की बात करूँ, देखो अमेजोन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक छोटे से गैराज से हुई थी, पर आज हर एक पर्सन के फोन के अंदर अमेजोन की एप्लीकेशन है। अगर हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन से, उसका पैसा किसको जा रहा है, जेफ बेजोस को जा रहा है। उबर टैक्सी सर्विस की अगर बात करूँ, हमारे इंडिया के अंदर भी चल रही है, अमेरिका के अंदर भी चल रही है, कैनेडा के अंदर भी चल रही है, और KFC देखो एक कंट्री से स्टार्ट हुआ था, आज के टाइम पे 110 कंट्रियों से ज्यादा के अंदर क्या चल रहा है जी, KFC चल रहा है। अभी देखो ये कारण क्या है जी, क्यों ये लोग अमीर है, उसके पीछे एक ही कारण, इन लोगों ने क्या किया, नेटवर्क क्रिएट किया। ये लोग खुद नहीं काम कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं जी, हमारे जैसे लोगों से काम करवा रहे हैं, और इनको आज के टाइम पे क्या जी, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, राइट? अभी ये आपको मैं जो कैटेगरी बता चुका हूँ, कौन सी कैटेगरी जी, बिजनेस ओनर कैटेगरी है, जहां पे बिजनेस ओनर खुद काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है। और इसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। देखो इन्वेस्टर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, देखो इन्वेस्टर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है, जैसे लाइक अभी मान लो आप हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, करोड़ों रुपए कहीं पे रियल एस्टेट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, कहीं भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहां पे देखो रिस्क रहता है, जो आपने पैसा लगाया वो आपका पैसा डूब भी सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। बट अगर आपको इन फ्यूचर इन तीनों चारों कैटेगरी में से अगर एक कैटेगरी के अंदर जाने का मौका मिले,
तो आप किस कैटेगरी के अंदर जाना पसंद करेंगे, मैसेज करके बताएंगे जी किस कैटेगरी के अंदर आप जाना पसंद करेंगे, अगर आपको इन फ्यूचर चारों कैटेगरी में से अगर एक कैटेगरी के अंदर जाने का मौका मिले। हाँ जी, कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना पसंद करेंगे? बी बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि मोस्टली पर्सन के मैं देख रहा हूँ मैसेज है ना कि आ रहे हैं कि बिजनेस ओनर हम बनना चाहें, क्योंकि देखो बिजनेस ओनर एक ऐसा पर्सन है, क्योंकि सभी ने आप एक अंडरस्टैंड करना, आपने इन्हें जो सभी नामी ब्रांड्स है, कभी भी आपने जो इनके जो ऑनर्स है आपने कभी भी उनको काम करते नहीं देखा होगा, बट आज के टाइम पे ये सभी लोग हमारे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, इनका वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नाम आता है। देखो इनका नेटवर्क है जिसकी वजह से आज राइट ये आज के टाइम पे क्या जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ नेटवर्किंग की, देखो पावर ऑफ नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ, देखो अभी एक तरफ अमूल है और दूसरी तरफ क्या जी मिल्कमैन, अभी देखो दोनों का काम क्या जी, दोनों का काम क्या जी दूध बेचना है, अमूल भी दूध बेच रहा है और मार्केट में जो हमारा मिल्कमैन होता है लाइक वो हमारे घर घर जाकर दूध डालते वो भी क्या कर रहा है दूध बेच रहा है। अभी आप एक चीज अंडरस्टैंड करें, दोनों में से अमीर कौन है जी, इन दोनों में से अमीर कौन है? अमूल अमीर है, सभी को पता है जो अमूल का ऑनर है वो अमीर है, बट दूसरे पे मिल्कमैन है। अभी मिल्कमैन क्या है, वो एवरेज है, वो एवरेज क्योंकि देखो जो मिल्कमैन होता है वो बेचारा क्या करता है, वो एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो 50 से 100 घरों के अंदर दूध डाल देता है और उसको क्या है जी 100 या 200 घर से ही पैसा आ रहा है। बट दूसरी तरफ अमूल है, उसने क्या किया पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर अपना क्या कर दिया, बूथ ओपन कर दिए और आज के टाइम पे अमूल किसी घर पे दूध पकड़ाने नहीं जा रहा, बट फिर भी अमूल का एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए का दूध बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नेटवर्क बना दिया। आज मैं चंडीगढ़ के अंदर हूं, मैं चंडीगढ़ के अंदर अमूल का दूध पी सकता हूं, अगर मैं राजस्थान चला जाऊं वहां पे भी, उड़ीसा चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मेरे को अमूल का दूध मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है कि जिस भी पर्सन का नेटवर्क है वही पर्सन आज के टाइम पे क्या एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अभी सिंपल सी बात है, लाइक अगर आपकी एक दुकान है जहां पे आपको महीने का 10,000 रुपए बच रहा है, आपको महीने का 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेम आपकी 10 दुकानें होंगी तो 10 दुकानों से आपको कितना बचेगा जी 1,00,000 रुपए, अगर 20 होंगी तो 2,00,000 रुपया। मतलब कि जितना ज्यादा आप नेटवर्क क्रिएट करते जाओगे उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उतना ही ज्यादा हमें पैसा आएगा। बट बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि अभी इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए देखो हमें क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो अमूल ने अगर हर एक सिटी हर एक स्टेट के अंदर बूथ ओपन किए हैं तो पहले अमूल को अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ा, क्योंकि देखो अगर लाइक आप भी चाहते हो मैं भी एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करूं तो उसके लिए आप भी देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको एक आइडिया चाहिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू करना है। फिर बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक लैंड होनी चाहिए जहां पे आप अपनी फैक्ट्री खड़ी करो और फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट आप बनाओगे, क्योंकि देखो बिना प्रोडक्ट के भी बिजनेस नहीं होता, हर एक प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई, हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट तो रहता ही रहता है। और जब आप प्रोडक्ट बनाओगे फिर प्रोडक्ट को आप आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, फिर वो प्रोडक्ट जब लोगों तक पहुंचेगा आपकी सेल होगी और फिर जाकर आपको क्या होगा जी प्रॉफिट होगा। बट ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और इसके लिए बहुत ही पैसा चाहिए, लाइक करोड़ रुपए चाहिए अगर हम इस तरीके से नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अलग अलग सिटीज के अंदर दुकानें हो या हमारा भी एक अच्छा खासा नेटवर्क हो तो वहां भी आपको कहते हैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर मेरे को पता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है और हम इसके बारे में क्या सोच भी नहीं सकते। पर आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। कोई और इंडस्ट्री है जी, आपको जानते भी होंगे शायद, काफी लोग जानते होंगे उस इंडस्ट्री के बारे में जी, वो इंडस्ट्री है जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ऑफर यू टू स्टार्ट रिस्क फ्री बिजनेस वेयर यू कैन बिल्ड ए ग्लोब नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखो एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अपना बिजनेस करने का मौका दे रही है, पूरे ग्लोब के अंदर कहीं भी आपको नेटवर्क क्रिएट करने का मौका दे रही है, वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोगों ने सुना होता है यार ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फेक होती है, फ्रॉड होती है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ये वो फ्रॉडिंग करना, काफी सारी बातें हमने आस पास सुनी होती है। बट देखो अगर मैं बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत इंडस्ट्री ने, कुछ गलत कंपनी इसके अंदर आ गई थी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। क्योंकि देखो हर एक काम के अंदर कुछ सही लोग भी होते हैं, कुछ गलत लोग भी होते हैं, ऐसे ही कुछ गलत लोग आ गए थे जिनकी वजह से सही कामों का भी नाम क्या जी खराब हो जाता है। तो ये देखो आज के टाइम पे अगर बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एक्सपर्ट भी बहुत बड़ी एडवाइस दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं रॉबर्ट टी जो कि बहुत बड़े ऑथर है, इनकी एक बुक है 21st Century बिजनेस बुक, तो आप उस बुक को जरूर रीड करें अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि नेटवर्किंग ही करना आज के टाइम पे क्यों जरूरी है। क्योंकि आने वाला जो बिजनेस है वो नेटवर्किंग का ही बिजनेस है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आज से पहले ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन थे जहां से उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। और अगर बात करूं हमारे इंडिया के फेमस है ना
मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और संदीप महेश्वरी सर, अगर इनके बारे में बात करूं, आप सभी लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते होंगे, जो कि लोगों को बिजनेस के रिगार्डिंग गाइड करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। राइट, अगर मैं बात करूं, ये भी लोग आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे पास एक छोटी सी क्लिप, आप उस क्लिप को जरूर देखें और आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अगर विवेक बिंद्रा सर इसके बारे में बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इसके अंदर, आप खुद देख सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा, आप सफल हो। हाँ जी, तो खुद देख सकते हो यार, एक ऐसा पर्सन जो कि खुद लोगों को गाइड कर रहा है कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ये पर्सन खुद बोलेगा कि अगर मेरी भी संतान होगी ना तो मैं उसको कुछ टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो जाती है ना, इतनी डेवलपमेंट किसी और इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती। और आज के टाइम देखो, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम देखो हर जगह पर नेटवर्क है, हर जगह पर लोग काम करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोग ही काम करेंगे। और देखो, आज अगर कुछ भी सामान आ रहा है घर पर आ रहा है, वो नेटवर्क के थ्रू ही आ रहा है, बट आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है, खुद देख सकते हो जी, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया 2025। अगर देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, आने वाले टाइम के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो खुद देख सकते हैं जो इंडस्ट्री इतना ज्यादा आने वाले टाइम में ग्रो कर रही है, तो आने वाले टाइम में अगर हम इसका पार्ट बने चाहे ना बने, फिर भी इस इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा ग्रो करना ही करना है। राइट, और आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के लेसन आ चुके हैं बुक्स के अंदर, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल के अंदर है, हिमाचल के अंदर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स भी लॉन्च हो गया, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। तो खुद देख सकते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत चीज होती तो शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसी को कभी भी प्रमोट ना करती। राइट, एंड देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जैसे मैंने कुछ बोला, कुछ गलत कंपनियां होती हैं जिनकी वजह से सही कंपनी का नाम भी खराब हो जाता है। और अगर आप देखो किसी भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले देखो वहां पे आपको ये चार चीज जरूर चेक कर लीजिए, पहले वहां पे लोग कैसे हैं, दूसरा ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, तीसरा प्रोडक्ट, और चौथा प्रॉफिट और पेआउट। अगर आपको देखो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर ये चारों चीजें बेस्ट मिल रही है, तो आंखें बंद करके आप उस कंपनी के अंदर जा सकते हैं। और ऐसी आज मैं कंपनी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो कि हम किसका पार्ट है जी, फॉरएवर लिविंग का पार्ट है, जो हमारा टीम 564 है, एक के साथ कोलैबोरेट है, फॉरएवर लिविंग के साथ कोलैबोरेट है। एंड अगर देखो फॉरएवर लिविंग में बात करूं, देखो फॉरएवर लिविंग एक ग्लोबली ब्रांड है, कंपनी को चलते चलते 44 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, और आज के टाइम पे कंपनी अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, बट आज के टाइम पे कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्किंग कर रही है, एंड 3000 से ज्यादा कंपनी के पास खुद के ऑफिस हैं। अगर बात करूं टर्नओवर की, तो 25000 करोड़ से ज्यादा कंपनी की हर साल की टर्नओवर रहती है। एंड कंपनी वर्ल्ड लीडर्स इनटू एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स, कंपनी की बात करूं, कंपनी एलोवेरा एंड हनी के प्रोडक्ट्स के अंदर मेनली डील कर रही है, एंड टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, कंपनी का कोई शेयर होल्डर ऐड नहीं है बीच में, क्योंकि जैसा लाइक अभी होता है क्या कि काफी कंपनीज के बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो क्या होता है वहां पे रिस्क रहता है कि अगर एक पर्सन को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भाग सकता है, बट प्रॉफिट कंपनी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कंपनी के सिर्फ एक ही ऑनर है जिनका नाम है ग्रेग मोगन, एंड कंपनी का बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, एंड कंपनी हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी 3000 से ज्यादा के जी मिलीनियर्स बना चुके हैं। मिलीनियर देखो कौन होता है, जो कि एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है, तो आज के टाइम पे 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लखपति बन चुके हैं। राइट, एंड अगर बात करूं, देखो आज के टाइम में आपको फॉरएवर लिविंग को क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपको कुछ ऐसी पिक्स दिखाई देंगे, आप चेक करोगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं, गूगल इस चीज को बेस्ट बोल रहा है तो सच में बेस्ट है, तभी बोल रहा है ना, क्योंकि देखो कोई भी गूगल गलत इन्फॉर्मेशन देता, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आज के टाइम पे देखो आपको फॉरएवर लिविंग को क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से दो ट्रेंड बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पहले नंबर पे जी नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का। एंड दूसरे नंबर पे बात आती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, देखो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करूं, देखो आज के टाइम पे हमारी
मेनली कंपनी है वो किसके अंदर डील कर रही है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर डील कर रही है। एंड अगर बात करूँ देखो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर क्यों हमें आज के टाइम पे डील करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शख्सियत को आप देख रहे हो जिनका नाम है पॉज एंड पल्सर। अगर मैं देखो इनके बारे में आपको थोड़ा बताऊं, देखो ये अमेरिका जैसे देश को सलाह देते हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये बताते हैं कि आपको आने वाले टाइम में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकी बहुत सी बुक्स हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है। अगर बात करूँ इन्होंने आज से पहले एक चीज बोली थी कि जो पर्सन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा वो आने वाले टाइम में क्या जी करोड़पति बनेगा ही बनेगा। और आपके सामने आप चेक करना कि आज से 20 से 30 से पहले 30 साल पहले जो प्रॉपर्टी हजारों की मिल रही थी वो प्रॉपर्टी आज लाखों करोड़ों की मिल रही है। और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है वो कोई और इंडस्ट्री नहीं है जी, वो वेलनेस की इंडस्ट्री, वो हेल्थ की इंडस्ट्री है। अगर आज के टाइम पे हम हेल्थ के अंदर डील करेंगे तो हम आने वाले टाइम में जरूर करोड़पति बन सकते हैं। आप अंडरस्टैंड करना 2020 के अंदर सभी काम बंद पड़ गए थे कोविड के टाइम पे, बट एक काम उस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो करना था, वो कौन सा काम था जी, हेल्थ का काम। तो अगर आज हम भी चाहते हैं कि हम भी जिंदगी में ग्रो करें आगे बढ़े तो हमें भी किसके अंदर डील करना चाहिए, हेल्थ के अंदर डील करना चाहिए। और यहाँ पे फॉरएवर भी किसके अंदर डील कर रही है, न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर कंपनी डील कर रही है। हमको यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन नहीं बेच रहे या कुछ ऐसा सामान नहीं है, यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन है राइट, कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर डील करेगी। क्योंकि देखो हेल्थ के अंदर भी दो सेक्टर होते हैं, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल। कंपनी जो डील कर रही है वो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर डील कर रही है मेनली। और जहां पर देखो आपको काफी लोगों को प्रोडक्ट देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारे भी जो प्रोडक्ट्स हैं ना आपको बेचने पड़ेंगे, बट आपको बताना चाहता हूँ देखो हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता ही रहता है। तो यहाँ पर हमारे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट इन प्रोडक्ट्स को आपने बेचना नहीं है राइट। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की रेंज है, आप देख सकते हो हेल्थ ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स राइट। अगर बात करूँ देखो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है, सिर्फ आपने जस्ट इनको यूज करना है और यूज करके आगे आपने सिंपली इनको प्रमोट करना है। जैसे हम डेली रूटीन के अंदर बड़ी चीजों को प्रमोट करते हैं, बड़ी चीजों के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, काफी तरह के हम सलाह देते हैं, बट देखो आज तक आपको कभी भी सलाह देने से पैसा नहीं है। पर इस बिजनेस के अंदर आपको क्या है जी, सलाह देने के साथ ही पैसा आएगा। आपने करना है जिस इंसान को हेल्थ की नीड है आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बता देना है, और जिस इंसान को वर्क की नीड है आपने उसको क्या करना है जी, सिंपली वर्क के बारे में बता देना है। अगर आप यही काम कर लेते हो तो आपको इसी के साथ क्या आना स्टार्ट हो जाएगा जी, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ज्वाइन किया, अगर आपको बताऊं यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली करना है जी अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन। और जैसे अपने फोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे माई फॉर एवर इंडिया तो वहां पे एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली करना है क्या है, वहां पे जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया आपको एक स्पॉन्सर आईडी देंगे, वो स्पॉन्सर आईडी फिल करके आपको जो डिटेल मांगी जाएगी वो फिल करनी है। और इससे सिंपली आपके एक 12 GAT की बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्या है, एक आईडी बन जाएगी, आपके नाम की एक आईडी बन जाएगी सिंपली। एंड यहाँ पर करना है क्या है, जैसे आपकी आईडी बनती है और कंपनी आपको आईडी के ऊपर पहले दिन से क्या जी 5% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे खरीदेंगे तो कंपनी आपको पहले दिन से यहाँ पर 5% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर आपने करना है क्या, देखो सिंपली आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए सिंपल अपने यूज के लिए कम से कम 2000 से लेकर 3000 तक का प्रोडक्ट, मतलब कि अपने यूज के लिए 1 से 2 प्रोडक्ट का आपने क्या करना है, ऑर्डर डालना है। क्योंकि देखो जिस कंपनी का जब पार्ट बनने जा रहे हो जब तक आपके पास ही उस कंपनी का उस बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप कैसे उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा काम क्या है, प्रमोट करने का काम है, सलाह देने का काम है, और सलाह हम किसी चीज की जब तक नहीं दे सकते जब तक हमने वो चीज पहले खुद यूज ना की। और जैसे अगर आप अपने यूज के लिए 2 से 3 हजार का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, इससे होता है कि आपकी जो आईडी है वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्टिवेट हो जाती है और आप इस बिजनेस के अंदर नोबस कस्टमर बन जाते हैं। और जैसे आपको पता है देखो भी फॉर एवर लिंक 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्किंग कर रही है, तो हर एक देश की जो करेंसी वो अलग अलग है, डॉलर है, पाउंड है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे यूरो है, और हमारे इंडिया के अंदर क्या जी रुपीज है। तो इस चीज का भेदभाव खत्म करने के लिए कंपनी ने खुद की वैल्यू बना दी जिसको हम बोलते हैं जी सीसी वैल्यू, लाइक कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। कंपनी अपनी खुद की वैल्यू बना दी जिसको बोलते हैं सीसी। एंड कंपनी क्या करते हैं, कुछ जितने भी हमारे फॉरएवर लिम के प्रोडक्ट हैं जैसे हमारी एलोवेरा जेल है उसके ऊपर 102 पॉइंट, हमारा हनी है उसके ऊपर 105 पॉइंट, हमारी तुथ जेल उसके ऊपर 34 पॉइंट, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने अलग अलग पॉइंट्स रख दिए। एंड जब ये पॉइंट्स कुल मिलाकर जो आपकी आईडी बनेगी, जब उस आईडी के अंदर 1000 पॉइंट हो जाते हैं उसका क्या हो जाता है, 1 CC हो जाता है। जैसे 1 GB के अंदर 1000 MB होती है वैसे ही 1 CC के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं। एंड अगर बात करें 1 CC हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 16,500 रुपए तक कॉस्ट करता है। और जैसे अगर आपकी आईडी के अंदर 2000 पॉइंट हो जाते हैं उसका क्या हो जाता है, 2 CC हो जाता है। और जैसे अगर हम जिंदगी में एक बार 2 CC तक की कंपनी को टर्नओवर शो कर देते हैं तो कंपनी 2 CC लेवल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है हम यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर कंपनी को हमें डिस्काउंट
5% दे रही थी वो बढ़कर यहाँ पर हमें 30% देना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पे हमें कंपनी जो सबसे बड़ी चीज देती है उसको क्या बोलते हैं, रेफरल कमीशन। अभी रेफरल कमीशन क्या होता है, लाइक अभी आप हो, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में आगे अपने फ्रेंड को या किसी को भी आगे बता रहे हो और वो पर्सन अगर आपके साथ बिजनेस में आता है, वो आगे जितना भी काम करेगा उसका में कितना आएगा जी, 25% कमीशन आएगा। और यहाँ पर हमारा काम क्या, देखो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर हमारा सिंपल काम है जी, आपने करना है क्या है, जिस इंसान को हेल्थ की नीड है आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना, जिस इंसान को वर्क की नीड है आपने करना है उसको वर्क के बारे में बताना, सिंपली। अगर आप देखो डेली रूटीन के अंदर, ज्यादा नहीं मैं बात करूं, अगर आप डेली रूटीन के अंदर 3 लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे होगा, 3 लोग भी डेली आप बता रहे हो, तो 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अगर लगातार आप यही काम करोगे 30 दिन, तो 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप 90 लोगों को काम के बारे में बता दोगे। अभी 90 लोगों को आपने 1 महीने के अंदर काम के बारे में बता दिया, अगर आप यही काम 2 महीने रेगुलरली कर लेते हो तो आप 180 पर्सन को क्या कर दोगे, बिजनेस कर में शेयर कर दोगे। अभी देखो आपने अगर 180 लोगों को बिजनेस कर में शेयर किया, अभी देखो आपको खुद को पता है कि 180 में से 180 पर्सन आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, पर मैं ज्यादा नहीं बात करूं, 180 में से अगर 15 लोग भी सीरियस हैं जो कि सचमुच बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि सचमुच अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 180 में से 15 लोग बड़े आराम से हमारे साथ बिजनेस के अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। अगर 15 लोग देखो हमारे साथ बिजनेस के अंदर आते हैं, हम उनको ज्वाइन करवाएंगे, उनको ज्वाइन कराने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग लगवाएंगे, सिखाएंगे काम को। अगर 15 लोग सीखने के बाद वो भी अपना फर्स्ट लेवल 2CC कंप्लीट करते हैं, अगर 15 लोग अपने 2CC कंप्लीट करते हैं, तो आपकी आईडी में, क्योंकि सारा काम आपके नीचे हो रहा होगा, तो आपके कितने सीसी हो जाएंगे, 30 CC हो जाएंगे, 30 CC हो जाएंगे। और फॉर एवर बोलते हैं आप 30 नहीं, आप सर 25 CC कर लो, हम आपको 25 CC के ऊपर नेक्स्ट लेवल दे देंगे जिसका नाम है सुपरवाइजर लेवल। एंड यहाँ पे देखो डिस्काउंट बिल्कुल सेम रहता है जी, बट आपको जो रेफरेंस कमीशन है वो बढ़कर यहाँ पर 25% से 28% यहाँ पर आपका हो जाता है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ, देखो आपके साथ देखो 15 लोग आए थे, देखो 15 के 15 काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 15 लोग भी नहीं काम कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 15 में से हमारे साथ 4 लोग भी आगे आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे को भी आगे काम करना है, मेरे को भी आगे पैसा कमाना है, मेरे को भी आगे सुपरवाइजर बनना है, तो आपने करना है कि 4 लोगों को सुपरवाइजर बनना सिखा देना है। 4 लोग अगर आगे आकर 25 CC का बिजनेस भी करते हैं, 4 लोग अगर 25 CC करेंगे तो हमारे 100 CC हो जाएंगे, पर फॉर एवर बोलते 100 नहीं, आप सिर्फ 75 CC कर लो, हम आपको नेक्स्ट लेवल दे देंगे जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। एंड यहाँ पे देखो डिस्काउंट बिल्कुल ही सेम रहता है, बट जो हमारा रेफरेंस कमीशन है वो यहाँ पर बढ़कर लगभग, अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो रेफरेंस कमीशन बढ़कर 33% हो जाता है। एंड अगर बात यहाँ पर देखो, आप जैसे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो तो यहाँ पर आप महीने का 35 से 45 बहुत इजीली कमा सकते हो, और सुपरवाइजर को महीने का 15 से 25 और AS के ऊपर महीने का 5 से 10 बहुत इजीली, और नोवस कस्टमर को महीने का 5 बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। अभी देखो यहाँ पर आप जब असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो आपके साथ 4 लोग थे जो सुपरवाइजर बने थे, मैं बोलता हूँ कि 4 के 4 काम करेंगे बहुत अच्छी बात है, बट 4 में से 2 लोग आके आते हैं जो बोलते हैं कि सर नहीं मेरे को भी क्या बनना है, आपके जैसे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मेरे को 75 CC करना है, तो आपने करना क्या है, 2 लोगों को 75 CC करना सिखा दोगे तो आपके 150 CC हो जाएंगे, पर कंपनी बोलती है आप 150 नहीं, आप सिर्फ 120 CC कर लो, हम आपको नेक्स्ट लेवल दे देंगे जिसका नाम है मैनेजर लेवल। एंड यहाँ पे डिस्काउंट देखो बिल्कुल ही सेम रहता है, बट जब हमारा रेफरेंस कमीशन है वो बढ़कर यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है, 38% हो जाता है। और फॉर एवर में जब मैनेजर बन जाते हैं तो यहाँ पर आपकी इनकम है वो मंथली लगभग ज्यादा नहीं तो 50 से 60 तक आप कमा ही सकते हो, बट आगे नो लिमिट है, जितना भी आप चाहोगे उतना पैसा कमा सकते हो। और अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आ चुके हो, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पर हमारे लेवल हैं वो सभी लेवल के परमानेंट, अगर आप किसी भी लेवल पर एक बार पहुंच गए तो वहां पर आपकी हमेशा प्रमोशन होगी, डिमोशन नहीं होगी। एंड अगर बात करो देखो मैनेजर के ऊपर, अगर आप पहुंच बनना चाहते हो, मैनेजर अगर आप अचीव करना चाहते हो, अगर आप फुल टाइम के अंदर फॉरएवर को ज्वाइन करोगे तो 8 से 10 महीने के अंदर आप बड़े आराम से मैनेजर बन सकते हैं। एंड ज्यादा नहीं, अगर आप पार्ट टाइम के अंदर फॉरएवर लिविंग को करोगे तो 12 से 18 महीनों के अंदर आप बहुत ही इजीली फॉरएवर के अंदर क्या बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अभी कंपनी हमें गाड़ी लेने का ड्रीम भी हमारा पूरा करती है, यहाँ पर हमें कंपनी 3 तरह के लेवल प्रोवाइड करती है, लेवल 1 में 26 से लेवल 2 में 39 से लेवल 3 में 52। कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी में 3 तरह की किस्तें प्रोवाइड करती है, और अगर हम इनमें से कोई भी लेवल क्वालिफाई करते हैं वो पैसा हमें 3 साल के लगातार हमारे अकाउंट के अंदर आता रहता है, और वो भी हमारी मैनेजर की इनकम से अलग। एंड अगर बात करें यहाँ पर हमें कंपनी साल में 2 ग्लोबली टूर देती है और हमारा डोमेस्टिक टूर देती है, जो कि हमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, और यहाँ पर हमारा जो घूमने फिरने का ट्रैवलिंग करने का ड्रीम होता है वो भी हमारा यहाँ पर क्या पूरा होता है। एंड अभी बारी आती है पैसे की, काफी लोग बोल रहे हैं यार सर इतनी बातें बोल दी, 1 लाख रुपया आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, किसको आ रहा है, कोई है तो है नहीं, पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कितने लोग हमारे साथ हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम 64 अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, काफी ऐसे पर्सन है जो कि
फार्मर फैमिली से उठकर आज यहाँ पर अपनी गाड़ियां ले चुके हैं, अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं। हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर विशाल सोडी जिन्होंने आज से 5 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था और इन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर मेहनत की और आज मेहनत करने के बाद आज इस बिजनेस के अंदर महीने का 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक ये मंथली एंड एवरेज यहाँ पर आज के टाइम पे अर्न कर रहे हैं और आज के टाइम पे इस बिजनेस से अपने दम पे 60 लाख की रेंज रोवर गाड़ी यहाँ पर बाय कर चुके हैं। और जितनी भी यहाँ पर हमें गर्ल्स सुन रही है ना, आपको बताना चाहता हूँ गर्ल्स भी हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। आप देख सकते हैं किरण मैम है जो की राजस्थान से महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा रही है, मनप्रीत मैम है जो कि इस बिजनेस से 2 लाख रुपए तक कमा रही है, ज्योति मैम चंडीगढ़ से है महीने का 1,92,000 कमा रही है और आप देख सकते हो कोमल मैम की अगर मैं बात करूं आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, कोमल मैम ने आज से तकरीबन जब लॉकडाउन लगा था अप्रैल 2020 के अंदर उस टाइम पे फॉरएवर लिम को शुरू किया था टीम पैर के साथ और उस टाइम पे इनका जो फर्स्ट पे उठाया था वो सिर्फ 3,500 का पे उठाया था, पर 1 साल की आप ग्रोथ देख सकते हो, वही चेक अप्रैल 2021 के अंदर 74,000 रुपीज का हो गया, मतलब की 1 साल के अंदर कितनी ग्रोथ इस बिजनेस से यहाँ पर ले चुके हैं, मतलब की लड़कियां भी यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर क्या कमा रही है। और सबसे बड़ा रीजन क्या जी आप फॉरएवर के अंदर क्यों आए, क्योंकि सबसे बड़ी सिक्योरिटी फॉरएवर में यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी इन द सेंस की देखो अगर भगवान ना करे अगर आज हम फॉरएवर के अंदर लेवल कोई भी लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो हमारा जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा, वो हमारा बिजनेस हमारे घर वालों को ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि फॉरएवर का जो बिजनेस है वो 3 जनरेशन तक जाता है। राइट, अगर बात करो हमारे ग्रेट सीनियर थे मिस्टर हरिंदर सर जिनकी आज से तकरीबन 3 साल पहले फरवरी 2018 के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी, बट जब इनकी डेथ हुई ना तो ये सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बट जो इनका बिजनेस था वो बंद नहीं हुआ, वो इनका बिजनेस चलता रहा और आज इनके ना रहने पर भी इनके ब्रदर को वो बिजनेस का ट्रांसफर हो चुका है जिनका नाम इंद्रजीत सर है और आज इनके ना रहने पर इनके घर पे महीने का 3 से 4 लाख रुपए क्या आ रहा है। ठीक है, एंड अगर बात करूं पावर ऑफ इनहेरिटेंस बिजनेस, इन्होंने एक ड्रीम लिया था कि मेरे को अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी बाय करनी है, बट उस टाइम पे अपनी ये गाड़ी बाय तो नहीं कर पाए, बट आज इनके ना रहने पर भी इनके ब्रदर ने वो इनका ड्रीम क्या जी फॉर्च्यूनर गाड़ी बाय करके पूरा किया है। एंड हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर जसविंदर सर अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने भी आज से 4 से 5 साल पहले बिजनेस की स्टार्टिंग की थी और आज सर इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर हैं और महीने का सर भी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। खुद देख सकते हो जुलाई 2020 के अंदर जिस टाइम पे लॉकडाउन था उस टाइम सर को महीने का 1,70,000 1,92,000 अगस्त 2020 के अंदर आ रहा था, तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो अगर लॉकडाउन के अंदर कंपनी पैसा भेज दी तो अभी क्यों नहीं भेजेगी। राइट, और हमारे ग्रेट सीनियर जिनको देखकर मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मिस्टर अजय कुमार सर, राइट अगर मैं इनकी बात करूं देखो सर की, तो सर की अगर बात करूं देखो सर आज के टाइम पे सिस्टम के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और आज सर इस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा आगे बढ़ चुके हैं। अगर बात करूं देखो सर की अचीवमेंट्स की, देखो सर ने भी आपकी तरह जीरो से स्टार्ट किया बट आज यंगेस्ट मिलीनियर सर बन चुके हैं सिस्टम के अंदर, 22 साल की उम्र के अंदर आज के टाइम पे सर मिलीनियर बन चुके हैं। खुद देख सकते हो मिलीनियर वो पर्सन होता है जो कि 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है, बट आज के टाइम पे सर फॉरएवर लिविंग के अंदर 50 लाख रुपए से क्या जी ज्यादा कमा चुके हैं सिस्टम से। ठीक है, एंड अगर बात करूं देखो स्टार्टिंग कहते हैं जीरो से होती है, तो सर की स्टार्टिंग भी जीरो से होती है, तो 17 के अंदर स्टार्टिंग की, 18 के अंदर मैनेजर बने और आज अपने दम पर 15 लाख रुपए की वरना गाड़ी यहाँ पर क्या जी बाय कर चुके हैं, तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो कितनी छोटी सी एज के अंदर आज के टाइम पे सर इतनी अच्छी यहाँ पर अचीवमेंट कर चुके हैं, इतना ज्यादा यहाँ पर ग्रो कर चुके हैं, तो एक चीज आप खुद इमेजिन करके देखिए अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते, क्योंकि मैं भी इन्हीं को देखकर इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं भी इन्हीं को देखकर इस कॉन्सेप्ट के अंदर आया था, क्योंकि कहते हैं किसी को देखकर ही ड्रीम बनता है, किसी को देखकर ही विजन बनता है, तो मैंने भी इनको देखा गया अगर सर कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सर का लाइफस्टाइल देखा कि सर अगर जीरो से उठकर आज टोटली अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 2 कंट्रियां सर फॉरन घूम चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूं, तो मैंने भी सेम यही कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। राइट, और मेरे ग्रेट सीनियर से आज आपको किसी न किसी पर्सन की कॉल आई होगी, तो मेरे को भी आज से पहले मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर शिव सर जिन्होंने मेरे को उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, राइट, तो इनकी कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे काम है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा और आज मैं तो पैसा कमा ही रहा हूं और मेरे सीनियर यहां पर मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सर की बात तो सर आज इस सिस्टम में सीनियर मैनेजर है और महीने का सर यहां पर 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, खुद देख सकते हो सर के पे आउट है ना, 1,48,000 का पे आउट है और मैंने भी तो ऐसे ही सर को देखकर शुरू किया, सर की गाइडेंस के साथ काम को शुरू किया और आज मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी इनकम को अर्न कर रहा हूँ और मैं भी यहाँ पर आज के टाइम पे महीने का 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात पता क्या है,
सबसे बढ़िया बात यह है कि आज जो मेरी मात्र एज है वो सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 साल की एज है। अगर आज दोस्तों में 19 से 20 साल की एज के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो आप लोग सभी कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, देखो शुरुआत जीरो से होती है। मैंने भी जीरो से शुरू किया था, बट जीरो से शुरू कर आज लाखों रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो आप लोग भी कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, बट एक मिनट में लिया आपका जो डिसीजन है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरी जिंदगी भी यहाँ से टोटली आज बदल चुकी है। और देखो फॉरन को स्टार्टअप करना बहुत ईजी है। स्टार्ट करने के लिए करना क्या है, आपने सिंपल अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है माई फॉर एवर इंडिया। आपने अपने फोन में माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सिंपली आपके यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपने करना क्या है, अपने यूज के लिए यहाँ पर 2 से 3 हजार का प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने अपने यूज के लिए क्या करना है, बाय करना है, जिसके साथ आपकी जो आईडी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो बिजनेस वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे आपको रेगुलर 5 दिन के लगातार ट्रेनिंग मिली, जिसमें आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कैसे आपने वर्किंग करना है, कैसे आगे बढ़ना है, प्रॉपर आपको डिटेल के अंदर सिखाया जाएगा। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आप भी यहाँ पर क्या नेक्स्ट मिलियनेयर बन सकते हैं। बट यहाँ पर काफी लोग ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे अभी कि करें या ना करें, मम्मी से पूछें, पापा से पूछें, क्योंकि देखो आज हमारा काम है आपको अपॉर्चुनिटी देना, करना ना करना वो आपके ऊपर है। क्योंकि दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, एक डोअर होता है, एक थिंकर होता है। देखो डोअर वो पर्सन होता है जो कि सेल्फ डिसीजन मेकर होता है, जो कि क्विक डिसीजन मेकर होता है, जो कि खुद के डिसीजन खुद लेता है। और काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि आज के आज हमारे साथ बिजनेस को शुरू करेंगे और आज के आज बिजनेस को शुरू करके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करेंगे। और काफी लोग ऐसे होंगे जो सोचते रहेंगे कि करें या ना करें। देखो एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो सोचने से कभी जिंदगी नहीं बदलती, ये मैटर नहीं करता देखो आप कहाँ से आए हो, बट ये मैटर करता है कि आपने पहुंचना कहाँ पे। तो यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं, आज गए अपना स्टार्टअप करें। क्योंकि कहते हैं ना, एक मिनट के अंदर जिंदगी नहीं चेंज होती, बट एक मिनट के अंदर लिया हमारा डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर देता है। तो मेरी भी जिंदगी यहाँ से चेंज हो चुकी, उसके लिए मैंने किया कैसे रुपये का डिसीजन बनाया। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारे बीच में काफी पर्सन कनेक्टेड है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, बट हमारा कल से एक न्यू बैच रेडी हो रहा है जिसके अंदर मात्र सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, अगर हमारे साथ अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, आज के आज आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, आज के आज अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास बहुत लोगों की लिस्ट है, बट उसमें से हम सिर्फ 50 लोगों का बैच रेडी कर रहे हैं जिसको हम प्रॉपरली सिखाएंगे कि कैसे आप लोग भी हम जैसे पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है आज आपको पहले दिन के अंदर इतना ज्यादा ना समझ आया हो कि क्या करना है, कैसे करना है, आपके मन में डाउट्स आ रहे हो, बट देखो डाउट आने ऑब्वियसली बात है, वो डाउट आएंगे, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट आए थे, बट मैंने अपने सीनियर से क्लियर किए और आज उसी की बदौलत मैं यहाँ पर एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। क्योंकि एक चीज बोलते हैं, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो तो उसमें कोई गलती आपकी नहीं है, पर अगर आप एक गरीब घर में मर रहे हो तो सारी की सारी गलती किसकी है जी, आपकी है। और ऐसे ही एक पर्सनैलिटी को देखकर मैं इस बिजनेस के अंदर आया था कि जिनका मैंने लाइफस्टाइल चेक किया, जैसे जिनका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे ग्रेट सीनियर ना मिस्टर अजय कुमार सर, जिनकी बदौलत मैं आज इस बिजनेस के अंदर आया था, जिनको मैंने देखा, राइट। और आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, और सरप्राइज क्या है कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट सीनियर जिनको देखकर मैं इस बिजनेस के अंदर आया, क्योंकि सर ऑलरेडी मेरे आने से पहले ही सर इस बिजनेस के अंदर मिलीनियर थे, मैं सीनियर मैनेजर थे, गाड़ी ले चुके थे, तो मैंने भी इनको देखा कि अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और आज इन्हीं से हमें स्पेशली टाइम मिला, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं सर, और सर आपको गाइड करेंगे सर ने भी कैसे डिसीजन बनाया था यंग एज के अंदर, और कैसे आज इस बिजनेस से अपनी एक अच्छी गाड़ी ले चुके हैं और कैसे एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे बीच में सर आ चुके हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा गाइड करें हमारे साथ जितने पर्सन है, ताकि वो भी इस बिजनेस के अंदर एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ सके। हेलो, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अजय अनमोल जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सर हमारे साथ आज बहुत से पर्सन कनेक्टेड हुए हैं जिनको हमने आज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, एंड काफी लोग एक्साइटेड भी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए। तो आप सर थोड़ा अपना टाइम दीजिए ताकि हम इनको थोड़ा आप गाइड कर सकें, ताकि ये भी अपना एक डिसीजन लेकर आज आगे बढ़ सके। ठीक है जी, गुड इवनिंग, तभी आप ठीक होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज आपको अनमोल जी ने एक बिजनेस की इंट्रोडक्शन दी है ना, तो सिंपल सी आपको आज इंट्रोडक्शन दी गई है, ये बिजनेस है क्या, कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं।
पर इसके पता कैसे लगेगा जब हम इसको रेगुलर इसको समझेंगे। सब्जी बनाना पहले दिन नहीं सीख जाते, मोटरसाइकिल चलाना पहले दिन नहीं सीख जाते, एक डिग्री को भी 3 साल लगते हैं, प्लस टू करने में 12 साल लगते हैं। जब हर एक चीज का एक सिस्टम है, कहते ना सिस्टम से एक मैगी बनाने के लिए भी 2 मिनट लगते हैं, तो उसके लिए अगर आप करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का सिस्टम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्या एक दिन में समझ आ जाएगा? आप सभी को पता है एक दिन में आपको समझ नहीं आएगा, आपको इसको रेगुलर सीखना पड़ेगा। तो रेगुलर सीखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग्स है। उससे पहले हम बात करें, हम जॉब एंड बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। आप आज कुछ भी फील्ड में हो, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, या कोई अपना खुद का काम भी होगा, या अभी कोई स्टडी भी कर रहा होगा, यहाँ पे सारे तरह के लोग हमारे साथ इकट्ठे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो स्टडी कर रहे हैं वो 3 साल स्टडी करने के बाद कहाँ जाएंगे, है ना? आज के टाइम अगर देखेंगे वो कहते हैं सर हमें ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास अगर बात करें कि आप बीसीए कर रहे हो, बीसीए करके आप बाहर जॉब में जा रहे हो, वहां पे सीट सिर्फ 10 बंदों की है, 60 बंदे आपके साथ बीसीए कर रहे हैं, तो बाकी ये 50 बंदे कहाँ पे जाएंगे? बेरोजगारी वहां से फैलती है। उसके बाद कितने सारे ऐसे बिजनेस है जो फेल होते देखे, और लॉकडाउन में अच्छे अच्छे बिजनेस मैं देखे फेल हो गए। लॉकडाउन में क्या सीखने को मिला जी आपको? लॉकडाउन में 2 चीजें सीखने को मिली, एक सेहत अपनी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा क्या, एक साइड बाय साइड हमारा बिजनेस जरूर होना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ, जिनकी अच्छी पैकेज था, जिनका अच्छा इनकम था, वो सोचते थे कि हमारी कभी ईएमआई बंद नहीं हो सकती, हमारी इनकम आएगी आएगी, तो कंपनी वालों ने उनको ही निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो कंपनी में लॉस जा रहे थे और उनकी इनकम देनी पड़ रही थी, है ना? तो बिजनेस भी बहुत सारे फेल हुए थे, पर उस बिजनेस के बाद है ना कई लोगों ने हेल्थ का बिजनेस अपनाया। आपने कभी सुना था कि मास्क और सैनिटाइजर बिकेगा? रातों रात मास्क और सैनिटाइजर की कंपनियां बन गई, रातों रात मिलीनियर बिलीनियर बन गए। तो ये सोचने वाली बात, अगर हेल्थ सेक्टर में उनका एक प्रोडक्ट बिक के इतना बन गया, हमारे पास तो 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है और हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां है। ये बात मैं आज से 4 साल पहले सीख गया था, लॉकडाउन से पहले मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पढ़ते पढ़ते इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने बिजनेस किया, बिजनेस के 3 P अंडरस्टैंड की, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, क्योंकि हम किसी भी घर पे रिश्ता करने जाते हैं उसकी घर बार चेक करते हैं। तो मैंने कंपनी के 3 चीजें चेक करके बिजनेस को स्टार्टअप किया। मेरा पहला चेक है यहाँ पे 2450 रुपए का आया। फिर इनकम की बात करें, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती गई, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, है ना, यहाँ पे मेरा हाईएस्ट चेक रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर अगर बात करूँ इस सिस्टम से, मैं अब तक 70 लाख रुपया कमा चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि आपके आने से पहले ही मैं 70 लाख रुपया कमा चुका हूँ, आपके आने से पहले ही मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मैं यहाँ से एक वरना कार ले चुका हूँ, फॉरन घूम के आ चुका हूँ 2 बार, आपके आने से पहले मैं इतना कुछ कर चुका हूँ। तो मैं एक चीज का जवाब दिया, अगर आप नहीं करोगे क्या मेरा कोई नुकसान है? मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कमा रहा हूँ। तो समझदार बंदे को इशारा काफी है कि आपका नुकसान होगा अगर आप नहीं करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड करें बिजनेस को, रेगुलर ट्रेनिंग लगाएं, और हमने सिर्फ 50 बंदे सिलेक्ट करने, क्योंकि हमारे रेगुलर तो रेगुलर सेमिनार चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमने बहुत सारे पर्सन सिलेक्ट कर लिए। अब सिर्फ हमारे साथ जो रह चुके हैं 50 बंदों की लिस्ट बनानी है, तो आप सोच के देखें कि 136 बंदे हैं। जो जो जल्दी जल्दी करेगा ठीक है, नहीं तो हफ्ते के बाद में बैठ जाएगा। करना क्या, सिंपल माई फॉर एवर इंडिया ऐप, उसको डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें, स्पॉन्सर ID उससे लें जिसने आपको लिंक भेजा है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, और हम आपको कल की ट्रेनिंग में बताएंगे कि आपने आगे पैसा कैसे कमाना है, ठीक है जी। बाकी 2 चीजें यहाँ से लेके जाओगे, शक या भरोसा, है ना। अगर शक लेके जो जिंदगी चल रही है वो चलती रहेगी, भरोसा लेके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। बाकी समझदार आप खुद हैं, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, तो जैसे आपको मैं बताया था ना कि देखो सर ने भी एक टाइम पे डिसीजन लिया, आज आपके सामने आप खुद देख सकते हैं कि सर ने जब स्टार्टिंग की तो कुछ भी नहीं था, बट आज यहाँ पर एक टोटली एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो वही बात, देखो सर ने भी एक टाइम पे डिसीजन लिया, क्योंकि देखो आपको पहले बता चुका हूँ कि एक दिन में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट एक मिनट में लिया आपका डिसीजन आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू किया, आज मैं एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो वही सेम कंसेप्ट आज आप लोगों को मिला है जी। बस करना है क्या, डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है। और स्टार्टअप अगर आप करते हो तो सेम जैसे आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो आप लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। बस करना है क्या जी, स्टार्ट करें,
आगे बढ़े। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है जी। जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, जल्दी से जल्दी आप उस पर्सन को अभी के अभी कॉल करें या मैसेज करें, उनसे बात करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड 50 सीट्स हैं जी, और 50 लोगों को हमने सिलेक्ट करना है आज कल के बैच के लिए। तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी उस पर्सन को कॉल करें, मैसेज करें, और उनसे पूरा कॉन्सेप्ट जाने की कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आज के अपनी रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़े। बाकी मिलते हैं कल के बैच के अंदर। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है जी।